के न्यूज खबरों की नई पहचान। जहां एक और सरस्वती पूजा को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर बलियापुर नीचे कुल्ले के अंबेडकर नगर के लोगों में मातम सा छाया हुआ है। वजह यह है कि बलियापुर नीचे कुल्ले के अंबेडकर नगर से 8 फरवरी शुक्रवार के शाम लगभग 6 बजे स्वर्गीय बुलाय रविदास के पुत्र सरोज रविदास उम्र 36 अपने 5 दोस्तों के साथ पीने खाने के लिए बलियापुर प्रखंड के ही दाड़दाहा बस्ती में सानिया मंझियान के घर गया और वहां से वापस नहीं लौटा। काफी देर बीत जाने के बाद जब सरोज रविदास घर नहीं लौटा तो इस बात की जानकारी सरोज रविदास के परिजनों ने गांव वालों को दी और सरोज रविदास के सारे परिवार और नीचे कुल्ली अंबेडकर नगर के लोग सरोज रविदास की खोज में जुट गए। काफी तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो सरोज रविदास के परिजनों द्वारा पूछे जाने पर सरोज रविदास के साथ गए 5 दोस्त ने बताया कि हम लोग पीने खाने के बाद अपने अपने घर चले आए और सरोज रविदास वहीं पर सोया रह गया। काफी खोज करने के बाद और उसके दोस्तों से पूछे जाने के बाद भी जब सरोज रविदास का कोई पता नहीं चला तो सरोज रविदास के परिजनों ने आखिरकार 9 फरवरी शनिवार को 10 बजे इस मामले की जानकारी बलियापुर पुलिस को दी। मामले की जानकारी पाते ही बिना किसी देरी के बलियापुर पुलिस मामले की नजाकत को समझते हुए सरोज रविदास की खोज में जुट गई और सरोज रविदास के 5 दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बलियापुर थाना लाया गया। इसी मामले को लेकर 10 फरवरी रविवार को बलियापुर के नीचे कुल्ली अंबेडकर नगर के लोग काफी संख्या में बलियापुर थाना पहुंचे और बलियापुर पुलिस से सरोज रविदास की तलाश की मांग करने लगे। वहीं इस मामले को लेकर सिंदरी डीएसपी प्रमोद कुमार केसरी, सिंदरी थाना प्रभारी सह निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह बलियापुर थाना पहुंचे और साथ ही डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया और पूरे दल जांच पड़ताल की प्रक्रिया शुरू की गई और डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई। लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बावजूद भी किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिल पाया। परसों हमारा बलियापुर पंचायत से बलियापुर नीचे टोला सूरज रविदास शाम को गया था 3-4 लड़का के साथ में दारू पीने के लिए और उसका साथ में जो था उन लोग तो आ गया, वो लौट के नहीं आया और वो सारा जगह खोजबीन किया। उसका रिश्तेदार वगैरह रिश्तेदार लोग भी सब आ गए, पहुंच गया है, अभी तक उसका पता नहीं चला है। उसी नगर को लेकर हम लोग थाना पर आए हैं, बड़ा बाबू को से बात हुआ, वो भी आश्वासन दिए कि जांच कर रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गई है, अभी तक की क्या पहल रही है पुलिस की ओर से? पुलिस कल भी गई थी जहाँ गया था, दरदार गया था खोजने के लिए, वहाँ भी पता करने के लिए, वहाँ चप्पल उप्पल मिला है लेकिन उसका पता नहीं चला है। उन लोग वहाँ भी उन लोग का कहना था कि इन लोग सब साथ ही निकल गया। कुल कितने की संख्या में थे वो लोग? 5 था, साथ में 5 आदमी था। तो 5 के अलावा जो 4 हैं अभी वर्तमान में आपके पंचायत में मौजूद हैं, क्या वो लोग अभी यहाँ मौजूद हैं? उन लोग को बड़ा बाबू उठा के लाए हैं थाना में, पूछताछ हो रहा है उन लोग से। पूछताछ चल रही है, अभी क्या कुछ करना है आप लोगों को? अभी तो हम लोग वही आए हैं, बड़ा बाबू को वही बोल रहे हैं कि जो सही आदमी है उसको जांच कीजिए और उसको पकड़ा जाए, गलत आदमी को छोड़ा जाए। बलियापुर स्थित एक नीचे कुली टोला है, वहाँ की रहने वाली राधिका देवी है। आज सुबह में एक थाना लाके आवेदन समर्पित की थी जिसमें उल्लेख किया था कि मेरे पति सरोज रविदास परसों से लफाते हैं, यानी 8/2/2019 के करीब 7:30 बजे संध्या में घर से निकले थे कुछ लोगों के साथ और सभी लोग आ गए परंतु मेरे पति अभी तक नहीं आए। तो उसी की खोजबीन को लेकर जब पता नहीं चला तो अभी डॉग स्क्वाड को बुलाया गया था और जहाँ पर जाने की सूचना थी वो तो दाड़दा गांव है, वहाँ पर पता चला कि देवनारायण मोदी, गौतम कालिंदी, अजय मोदी, तपन कालिंदी और हरी साइस के साथ में इनके पति सरोज गए हुए थे। वहाँ पर छानबीन की गई, छानबीन के क्रम में पता चला, घर वालों ने बताया
जिन्हें यहाँ पर आया था लोग, इसके बाद साथ में सभी लोग चले गए, परंतु अभी तक घर को वापस नहीं लौटा। इसी को लेकर डॉग एक्सपर्ट को बुलाया गया था, तो जहाँ जिसके यहाँ गए थे शराब पीने की भी बात आ रही है कि उसके यहाँ जाकर शराब भी पिए, तो उसके पुराने कपड़े के स्लेन को सुनाते हुए डॉग एक्सपर्ट से उसके गांव से लेकर डॉग एक्सपर्ट जुड़िया नदी किनारे तक आया, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसका कोई सुराग अभी नहीं मिला है। अवेदिका से ये भी पूछताछ किया गया कि अगर उनका मोबाइल है तो मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया, तो उन्होंने बताया कि मोबाइल नहीं रखते हैं, इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं।